अतिरिक्त संभागीय युक्त ने मुकाम में किया रात्रि चौपाल का आयोजन, सुनी लोगों की समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं सुमेश्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रेवलर्स इन न्यूज। खबरों के सिलसिले में बात करते हैं बीकानेर से, जहां पर अतिरिक्त संभागीय युक्त ओपी बिश्नोई ने बुधवार देर रात को मुकाम में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ओपी बिश्नोई ने सभी परिवेदनाओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया और कहा कि रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य है आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना एवं इसका नियमित समय में समाधान करना है। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि गर्मी के मद्देनजर विभागीय अधिकारी इस पर पूर्ण नजर रखें, खराब ट्यूबवेल अविलंब ठीक करवाए जाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कुछ घरों में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। अतिरिक्त संभागीय युक्त ने कहा कि सर्वे के अभाव में यह परिवार वंचित रहे हैं, तो इनके प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को अविलंब भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक घर तक जल पहुंचाना प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं हो। क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत होने और भवन बने होने के बावजूद नॉर्म्स के अनुसार संचालित न होने की जानकारी भी ग्रामीणों ने दी। और ग्रामीणों ने बताया कि मुकाम में शराब की बिक्री अनुमत नहीं होने के बावजूद यहां अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, इससे कई प्रकार की अवांछित घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। देर रात 12 बजे से अधिक समय तक चली रात्रि चौपाल के दौरान 25 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए, जिन पर कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान नोखा तहसीलदार चंद्रशेखर, सरपंच कुन्नी देवी मेघवाल, रामू राम, पूर्व सरपंच रविंद्र बिश्नोई, हनुमान दिलोया, मांगीलाल सारण, जुगल और रामलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।